A lot of people voted for the BJP, voted for change and voted for Modi. At the Delhi level, it's very important to have a party such as the Aam Aadmi Party that understands the issues of the common man. नहीं हम यही चाहते हैं कि चलो सेंटर में तो जो मोदी साहब हैं चलो मान लेते हैं ठीक है लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमें जो दिल्ली की सरकार चाहिए वो केजरीवाल साहब की चाहिए. बेसिकली मोदी साहब जो हैं वो पूरे देश के लिए ठीक है लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल जी ठीक है. उसके अलावा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है दिल्ली के पास जो सही काम कर सके क्योंकि दिल्ली की जो समस्या है वो लोकली लोकल लोगों के पास है. मोदी साहब नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को. या यस आई वोटेड फॉर मोदी बिकॉज आई फेल्ट एट दैट टाइम दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एट द नेशनल लेवल हु कैन एक्चुअली टैकल दिस पाकिस्तान एंड चाइना हु आर एक्चुअली लुकिंग टुवर्ड्स अस. बट एट द डोमेस्टिक लेवल आई वुड वोट टू केजरीवाल बिकॉज there is another internal you know basic evil we can say which is corruption which actually does not actually allow the people to prosper. Center mein yes modi was the one option left only aur sabko ek vichar thi ki nahi ab ki bar modi sarkar aur waqai ye pura ka pura scenario jo tha wo modi pe face tha aur bilkul and I'm happy rather ki at least ek majority government di gayi ki unko apna kaam karne ka mauka diya gaya. वैसे ही दिल्ली में हम एक बदलाव चाहते हैं. दिल्ली में एक ऐसी चीज चाहते हैं एक ऐसा सोच चाहते हैं और एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो स्टैंड लेकर के काम करना जानता हो. तो कोशिश हमारी ये रही कि दिल्ली में भी वो बदलाव जरूर आए और फुल मेजोरिटी के साथ आए एटलीस्ट कम से कम ताकि अपना काम करने का मौका मिले. मोदी जी को सपोर्ट किया था उनकी स्वच्छ छवि को देख के पर अरविंद केजरीवाल जी जो है उनका जो स्टाइल है वो मुझे लगता है कि मोदी जी से ज़्यादा इफेक्टेबल है. बहुत ज़्यादा मेहनती हैं रात दिन लगे रहते हैं पब्लिक के प्रति. उनका रुझाव देख के अब की बार भी जो है पूरे परिवार का वोट जो है हमारा उन्हीं को जाएगा. वट एवर ही डिड बींग इन पावर बिकॉज ही वॉज वन लीडर हु डिड नॉट बिलीव इन वर्ड सो मच हिज एक्शन स्पोक मोर देन हिज वर्ड्स. लोकसभा के टाइम पे मैंने तो दिया तो आम आदमी पार्टी को ही था तब भी बीजेपी को नहीं दिया क्योंकि मेरा भरोसा उनमें आज भी नहीं है बीजेपी में. ये भी कांग्रेस का ही एक दूसरा पार्ट है उसके अलावा कुछ नहीं है. सारे नेता तो इसी के कांग्रेस वाले इसमें आ गए ये थोड़ी ना चेंज होने देंगे बाकी चीज़ें. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ही इज नॉट केप्ट हिज प्रॉमिस. आई थिंक द ओनली क्रेडिबल पार्टी दैट इज ऑन अ रियल एंटी करप्शन प्लैंक इन इंडिया टुडे इज द आम आदमी पार्टी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वे इट हैज फॉट इलेक्शंस एंड वन देम. क्योंकि बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही है अभी एमसीडी में बीजेपी है और ऊपर मोदी जी हैं लेकिन फिर भी इतने दिनों से भी कुछ हो नहीं पा रहा है. जितनी चोर बाजारी हो सकती है उतनी हो रही है अभी भी. तो हम फिर भी अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका और जरूर देंगे करने के लिए कि वो कुछ करके दिखा सकें. सर केजरीवाल जी के अंदर जज्बा है काम करना चाहते हैं. काम करने का मौका किसी नहीं चाहिए. जो काम करना चाहता है उसे मिलना चाहिए मौका. क्यों नहीं मिलना चाहिए. अरविंद में लोगों ने एक भरोसा देखा है. अरविंद जी जो कहते हैं वो काम करते हैं. विधानसभा में तो एक लोकल मुद्दे होते हैं सारे जिसमें ये कोई मोदी जी का कोई इफेक्ट नहीं है. यहाँ पे दिल्ली में सिर्फ मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि साहब मोदी इफेक्ट है ऐसा कुछ नहीं है. इस बात से कोई फ़र्क दिल्ली वासियों को नहीं पड़ता कि सेंटर में सरकार बीजेपी की है क्या है. लेकिन चूँकि उन्होंने देखा है 49 दिन का शासन 49 डेज का शासन देखा है तो लोग मैक्सिमम सोचता हूँ इस बार इलेक्शन हो जाए तो आम आदमी पार्टी की 45 से 50 सीटें 100% आई. ईमानदारी और सच्चाई कहीं भी नहीं है वहाँ पे. सिर्फ बोलना भाषण देना उससे देश नहीं चलता है. द डेज ऑफ द केजरीवाल गवर्नमेंट वर corruption levels were low. People were actually scared of asking for bribes. The people actually has hope that the corruption can be eradicated from this country through Arvind Kejriwal. Ek logon mein kanun vyavastha ka dar tha. Kanun wahi hai vyavastha parivartan hua tha khali. Kanun sare wahi hain. Koi kanun Aam Aadmi Party ne Kejriwal ne nahi banaye the. Lekin unko lagu unka implementation logon mein ek kanun ka dar dekha gaya jo ki bahut acha hai is desh ke liye aur khaas taur Delhi ke liye.